हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी सिंगिंग बहुत इम्प्रूव करेगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे अच्छे से समझें और रोज़ प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गाते वक्त ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने सांस को कैसे मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो गा रहे होते हैं तो उनका सांस कम पड़ जाता है, जिसके वजह से उनका रिदम कट जाता है, ताल कट जाती है। तो उसे कैसे इम्प्रूव करें, कैसे कंट्रोल करें, ये हम आज सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16 लाइन्स हैं इन फोर फिंगर्स पे, फोकस आपको इस पे करना है। क्योंकि इन लाइन्स पे ही हम काउंट करेंगे कि हम कितने देर अपने सांस को रोक रहे हैं गाते वक्त। जैसे 4 बीट्स 1 2 3 4 1, ये रिदम पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिडिल नोट सा लेते हैं, सा। आपने देखा कि मैंने एक नोट को लेकर इन 16 लाइंस पे मैं गा रहा हूँ, वन काउंट में एक नोट ही आपको गाना है, सा। इस तरह से। तो पहले आप गाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है आपका ब्रेथ 8 बीट्स गाने के बाद टूट जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जैसे जैसे गाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये जो काउंट्स हैं ये आपके बढ़ने लगेंगे, और वो तभी होगा जब आपका ब्रेथ कंट्रोल इम्प्रूव होने लगेगा। जैसे अभी मैंने गाया तो ये 8 बीट्स पे मेरा ब्रेथ शॉर्ट हो गया। मैं फिर से गाता हूँ, सा। अभी मैं 13 बीट्स पे गा पाया। इसका मतलब है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ब्रेथ में, ब्रेथ कंट्रोल मेरा अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से आप रोज़ प्रैक्टिस करें और जितने भी बीट्स तक आप कंट्रोल कर सकें अपने ब्रेथ को, उसे कंट्रोल करें। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि एक नोट आपको इन 16 लाइंस पे गाना है, और ट्राई करना है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन कर पाएँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी सिंगिंग भी इम्प्रूव हो सके और उन्हें भी बहुत हेल्प मिले।